बिना एलएलबी की पढ़ाई किए युवक बना अधिवक्ता, न्यायालयीन गतिविधियों में लिया हिस्सा, अब पुलिस करेगी जांच, दर्ज हुई एफआईआर। मंदसौर के अधिवक्ता के नामांकन पर फोटो चस्पा कर रीवा का युवक बन गया वकील। बता दें कि जिले में अजब गजब मामला सामने आया है। एक व्यक्ति एलएलबी की पढ़ाई किए बगैर ही अधिवक्ता बन गया। अधिवक्ता की यूनिफॉर्म पहनकर वह न्यायालयीन गतिविधियों में हिस्सा भी लेता रहा। हाल ही में इस बात का खुलासा होने पर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने फर्जी अधिवक्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला जिला न्यायालय परिसर का बताया जा रहा है, जहां जिला न्यायालय में कार्यरत अमित कुमार पांडे नामांकन क्रमांक MP 60/80/2021 में अपना नाम एवं फोटो चस्पा कर अधिवक्ता बन गया। रायपुर कचुरियान थाना क्षेत्र के बलुही गांव निवासी ये युवक लगातार 2 साल तक न्यायालयीन गतिविधियों में शामिल होता रहा। इस दौरान कई विचाराधीन प्रकरणों में अपना वकालतनामा लगाकर पैरवी भी किया। कुछ लोगों को उसकी डिग्री पर संदेह हुआ तो उन्होंने राज्य अधिवक्ता परिषद से अधिवक्ता के संबंध में जानकारी मांगी। तब सामने आया कि इस नाम का कोई भी अधिवक्ता यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। आरोपी का नामांकन क्रमांक मंदसौर के अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह पनवार पिता रघुवीर पनवार के नाम पर निकला। उसकी वैधता 31 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2023 तक मिली। आरोपी ने उनके नाम के आगे अपना नाम और पता लिख दिया। उनकी फ़ोटो निकालकर अपनी फ़ोटो चस्पा कर फर्जी कागज़ तैयार कर लिया। उसके आधार पर वह न्यायालयीन गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा। इसकी शिकायत प्रज्वल पांडे पिता शैलेंद्र पांडे निवासी गंगहारा थाना सगरा ने सिविल लाइन थाने में की। इस पर जाँच के बाद पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बता दें कि आरोपी न्यायालय में विचाराधीन कई प्रकरणों में अधिवक्ता है। बाकायदा उसका वकालतनामा भी लग चुका है इन प्रकरणों में की वह पैरवी भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त कई अन्य दस्तावेजों में भी उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। पुलिस अब इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने में लग गई है। जाँच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने की जानकारी दे रही है। प्रस्तुत है सिटी SP शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। जी हाँ, कल दिनांक को एक क्राइमी की गई है जासूसी के तहत, जिसमें एक व्यक्ति अमित कुमार पांडे जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो पिछले 2 वर्षों से न्यायालयीन कार्य कर रहा था और अपने आप को वकील बताते हुए इसके द्वारा कार्य किया जा रहा था और इसके द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर का भी फोन किया जा रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे जानकारी मिली इनके बारे में? ये ग्राम भलुही थाना रायपुर कचुरियान का रहने वाला है और एक व्यक्ति प्रज्वल पांडे द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके संबंध में शिकायत जांच के बाद इस पर कार्रवाई की गई। किन धाराओं के तहत कार्रवाई? इसमें 419/20 के तहत कार्रवाई।